हेलो दोस्तों, वेलकम टू TFT क्लासेस द फाइनल टच। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले और दूसरे वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये हमारा थर्ड लेसन है, इसमें हम कुछ और वीडियो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आगामी किसी भी SSC, रेलवे, UPPCS और कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन, पुलिस, लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, तो उसके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a इज़ इक्वल टू 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो c का मान यानी c की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश वाले टेंशन ना लें, दोनों को समझ में आएगा बिकॉज मैं मैथ्स में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a का जो रेशियो दिया है वह 6:7:8 दिया हुआ है, और a, b, c का जो योग यानी सम है वह 14 यानी 14 है। तो c की वैल्यू हमको बताना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a प्लस b प्लस c इन तीनों का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, 7, 15 और 6, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/2, क्योंकि ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो ये 21/2 इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21/2 इज इक्वल टू 14। अब इसको हम 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 × 14, 7 × 3 = 21। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4/3। तो अगर हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू को निकालना है। तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को निकाल लें, a प्लस बी की अगर हम मान को निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम फिर उसको a प्लस बी को यहाँ से माइनस कर देंगे 14 में से, तो हमें c की का जो मान होगा यानी वैल्यू जो होगा वह निकल जाएगा। तो a प्लस बी का जो रेशियो में दिया हुआ है वैल्यू कितना है, 6 है, और हमें पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4/3 है। तो 6 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 × 6, यानी कि 3×2=6, मतलब कि 8, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, यानी कि 8 प्लस c इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से c बराबर 14 - 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप a और b का जो भी वैल्यू होगा, जो भी मान होगा, उसको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए सारे बेसिक थे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है a प्लस बी रेशियो √AB इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। जहाँ पे a और b, a जो है b से बड़ा है और b जो है 0 से, यानी ये दोनों 0 से बड़े हैं और a b से बड़ा है। तो हमें a प्लस बी का जो भी वैल्यू होगा वह पूछा जा रहा है, ठीक है। a प्लस बी का जो भी वैल्यू होगा वह हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। देखो, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन √AB इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। अब अगर हम इसको कैसे लिख लें, a प्लस बी अपॉन 2√AB अगर हम लिख लेंगे और यहाँ 2/1 कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फिर मैं 2 को यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा तो ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। कैसे करते हैं तो मैं बता रहा हूँ। उस रूल में क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं, यानी ऊपर में ले जाकर जोड़ते हैं और नीचे में इसको माइनस कर लेते हैं। कैसे, तो देखो, a प्लस b प्लस 2√AB और यहाँ लिखेंगे
ए प्लस बी ये ऊपर वाला, फिर उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाले को टू रूट ए बी, ठीक है। यानी ए प्लस बी, फिर नीचे वाले को इसमें सम कर दिया और एक बार ए प्लस बी नीचे वाले को इसमें से माइनस कर लिया, तो इस साइड भी वही काम करेंगे। तो पहले इसको सम करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा और फिर नीचे वाले को माइनस करेंगे, दो में से एक माइनस होगा, कितना बचेगा, वन बचेगा। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई वन। अब अगर हम आगे इसको देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट बी अपॉन रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी इज इक्वल टू थ्री बाई वन। और आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी अपॉन ये क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई वन, ठीक है। ये वाला ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ जाएगा और यहाँ जब वन बाई टू मतलब क्या होता है, रूट थ्री होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे देखेंगे, अब हमें इसको ए इस टू बी के फॉर्म में लाना है तो फिर दोबारा हम कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे फिर एक बार माइनस कर लेंगे। तो अगर मैं इसको लिख दूंगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा टू रूट ए अपॉन टू रूट बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, रूट ए अपॉन रूट बी आ गया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन, यानी थ्री प्लस वन फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर माइनस टू रूट थ्री, यानी कि अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको फर्दर चाहें तो इसका जो संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट जो होता है उससे लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझना है। अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट में आप पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आगे एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार, दिया हुआ है यदि किसी तस्वीर में नीले और पीले रंग का जो अनुपात यानी रेशियो है वह 4:3 है, यानी कि एक पिक्चर है उसमें ब्लू और येल्लो कलर का जो रेशियो है वह 4:3 है, यदि ऊपर के आधे भाग का नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, यानी कि तस्वीर जो होगी मान लो कुछ इस तरीके की होगी, तो इसमें जो आधा ऊपर का हिस्सा है इसमें जो रेशियो दिया हुआ है नीले और पीले यानी कि ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो है वह दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो नीचे के आधे भाग का क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ये पूरे का रेशियो दिया हुआ है और ऊपर का रेशियो दे दिया है, हमसे नीचे का रेशियो पूछ रहा है। तो कैसे इसको निकालेंगे देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर ये पूरी तस्वीर है, ठीक है, और ये आधा भाग का रेशियो दिया हुआ है, मतलब क्या, मतलब ये कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो रेशियो दिया हुआ है, ऊपर का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, ये दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 5, और नीचे का रेशियो हमको निकालना है और टोटल रेशियो कितना दिया है 4:3 का, तो 4:3 का रेशियो हमको
दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर ये दोनों मिला करके 10 होगा तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इस पूरे को 70 बना लूँ, बिकॉज ये 5 का और ये 7 का रेशियो है, और इसको हम करेंगे तो 35 आएगा, लेकिन 35 को अगर हम दो हिस्सों में बांटेंगे तो फ्रैक्शन में बदलेगा, पॉइंट में बदलेगा। तो उससे बेहतर है कि पॉइंट में बदलने से अच्छा है कि हम इसको एक संपूर्ण यानी पूर्ण संख्या रखें, एक इंटीजर फॉर्म में रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम लेकर के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70, यानी कि पूरा हिस्सा कितना है 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा हिस्सा 70 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 40 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, ये 35 होगा ना। आधा अगर पूरा हिस्सा 70 हो जाएगा तो आधा हिस्सा कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे ये कितना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 35 हो गया। अब 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर 7 से करेंगे तो अल्टीमेटली ये बनेगा कितना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 14:21, और टोटल जो रेशियो आ जाएगा 40:30, दैट इज़ इक्वल टू 71, और ये 35। तो यहाँ भी कुछ ऐसा आना चाहिए कि ये कितना बनाए, 35 बनाए, तभी तो ये दोनों मिल करके कितना होंगे, 70 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 14 दिया हुआ है, इसको 40 बनाना है। इसमें हम क्या सम करें कि ये जो है 40 बन जाए, तो इसमें से माइनस करो 14 में से 10 घटेगा 30 हो जाएगा, और 30 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये 26 बन जाएगा, ठीक है, 26। और यहाँ 21 है और ये कुल 30 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा आए कि इन दोनों का सम करें तो 30 आ जाए। तो अगर हम यहाँ 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप इसका अगर सम निकालेंगे तो 35 आएगा, और ऊपर वाले का भी सम निकालेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नीचे का रेशियो हुआ वह कितना हो गया, वह हो गया 26:9, और यही आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने तीनों क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से समझें, करें, और जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पूछें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।